सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी से और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर दिया या करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए सिलेबस एंड पैटर्न वाली आज वीडियो लेकर आए हैं। फुल यहाँ पे सिलेबस आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी द्वारा जो है इशू किया गया है, जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी है वहीं के द्वारा जो है ये इशू किया गया है, जारी किया गया। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां पर मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा इसी में से जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है, और आप जानते हैं कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपके करियर का यहां पे सवाल होता है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर आपको पैटर्न बता देता हूं, क्योंकि पैटर्न जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर यहां पर पैटर्न क्या आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपकी तीन सेक्शंस जो है इंपॉर्टेंट रहती है। वो कौन सी रहती है दोस्तों? दो सेक्शंस आपकी कंपलसरी रहती है, एक आपका रहता है फिजिक्स कंपलसरी और एक आपकी रहती है जो केमिस्ट्री कंपलसरी, ठीक है दोस्तों। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों सेक्शंस मैंने आपको बता दिए कंपलसरी रहती है, और दोस्तों आपकी जो आपकी ऑप्शनल जो रहेगी वो आपकी रहेगी एक तो मैथमेटिक्स और एक रहेगी बायोलॉजी, ठीक है दोस्तों। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स से प्लस टू की हुई है नॉन मेडिकल से, वो मैथमेटिक्स पीसीएम में भरवा सकते हैं यहां पे फॉर्म, और जिन्होंने बायोलॉजी से की है वो पीसीबी में, और दोस्तों जिन्होंने यहां पर जो है बोथ किया हुआ है, ठीक है, तो बोथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर किसी तरह की जो है दोस्तों यहां पर कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं यहां बता देता हूं आपको स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी का यहां पर सिस्टम रखा गया है। अब पीसीएम की जब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर फिजिक्स में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहां पर केमिस्ट्री में भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से दोस्तों आपके बायोलॉजी में भी आपके यहां पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री आपका सेम ही रहता है, ठीक है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि 30 30 30 तो ये तो 90 हो गए, तो 10 क्वेश्चंस कहां से, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यहां पर भी आता है, क्योंकि मार्क्स को इंक्रीज जो आपके जो मार्क्स बढ़ते हैं वो यहां से भी आप जो है ले सकते हो, जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं ये आपके पूछे जाते हैं जनरल अवेयरेंस के, ठीक है, कि आप में जनरल अवेयरेंस कितनी है। अब जनरल अवेयरेंस दोस्तों आपके कुछ भी आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है आप जनरल अवेयरनेस को फॉलो कीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारे आपको जो है जनरल अवेयरनेस के नोट्स मिल जाएंगे, या आपके जो भी नजदीकी हैं, या फिर हम भी आपके लिए जनरल अवेयरनेस के नोट्स लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों यहां पर आपको पैटर्न का पता चल ही गया होगा कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 30 30 क्वेश्चंस जो होते हैं हर सेक्शंस में होते हैं, और 10 जो है जनरल अवेयरनेस के आते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और साथ में दोस्तों यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी कुछ रखे जाते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए चलो दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर सिलेबस की, कि यहां पर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो फिजिक्स की दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर, तो फिजिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं फिजिकल जो वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स आपकी रहते हैं, इसमें आपका जो दोस्तों फिजिकल फिनोमेना से रिलेटेड जो भी आपका रहता है, ठीक है, मेजरमेंट से रहता है आपके, चाहे एसआई यूनिट्स आपके आगे दोस्तों, यहां पर आपको सब कुछ यहां पर पढ़ना है, ठीक है, यहां पर कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो आपके रहते हैं आपने पढ़े हुए हैं, इसीलिए आपको यहां पर सब कुछ अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो रहता है काइनेमेटिक्स रहता है, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों, देखिए काइनेमेटिक्स में आपसे जो पूछा जाता है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो मैंने आपको बताया पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें देखिए दोस्तों ग्राफ का कंसेप्ट काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, टाइम जो स्पीड एंड वेलोसिटी है, ठीक है, काइनेमेटिक्स वाला आपको जो अलग से सेक्शन मिल जाएगी अपनी बुक में, वहां से ये सब कुछ पढ़ लीजिए। आपको यहां पर जो आपकी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्केलर एंड वैक्टर क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वैक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, तो आप यहां से ईजिली जो है उन क्वांटिटीज को पढ़ सकते हो। स्केलर क्वांटिटीज आप जो रहता है दोस्तों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ जो डील करते हैं, वही सब कुछ दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो रहते हैं बेसिक से कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हुए, तो सब कुछ आपको यहां पे क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। इसकी बाकी हम जो है, अगर आपको यहां पे क्लासेस भी चाहिए तो क्लासेस भी हम आपके लेकर आएंगे, और पेड कोर्सेज भी हम आपके लिए ऑफर करेंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों देखें कब तक हम आपके लिए जो ये कोर्सेज भी लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन भी आपको यहां पे आएंगे। अब लॉज ऑफ मोशन में दोस्तों न्यूटन के जो लॉ रहते हैं आपके भैया, तो वो आपको यहां पे करने हैं, जो न्यूटन के लॉ रहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे न्यूटन के लॉ रहते हैं। सर्कुलर मोशन आपका रहता है दोस्तों, ठीक है, सर्कुलर मोशन में आप जो
टेंजेंट आपका बनता है वो सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रिपिटल फोर्स जो यहाँ पर एक्ट करती है वो सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है दोस्तों, वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो है सब कुछ दिया गया है कि किन किन जो है टॉपिक जो यहाँ पे सब टॉपिक आपको दिए गए, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर तो आपके पास टॉपिक हो गया, सब टॉपिक आपके इसमें ये सब कुछ आ गया जो आप देख सकते हो दोस्तों। काफी ज्यादा यहाँ पर दिया गया है इसीलिए मैं अगर पूरा बताऊंगा यहाँ पर तो काफी ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ। सब टॉपिक अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहां पर हम आपको जो है इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर देखा गया जो सब कुछ दिया गया कि मोशन कैसा होता है सिस्टम का पार्टिकल्स में रिजिड बॉडी में, ठीक है। ग्रेविटेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर भी यहाँ पर दिया गया है, ये सब कुछ आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेमेटिक थ्योरी भी आपको पढ़ना है, ठीक है। जो ऑसिलेशन एंड वेव्स आपका कॉन्सेप्ट रहता है वो भी आपको इसमें, जो पेरियोडिक मोशन रहता है, ठीक है, वो पेरियोडिक मोशन भी आपको क्या है पढ़ना है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है यार, जिसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। SHM जो आपका रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपका रहता है, ये सब कुछ यहाँ पे बेसिक से कॉन्सेप्ट रहेंगे जो आपको पढ़ने हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। इसके बाद इक्विलिब्रियम भी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आता है और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिशियम भी आता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट्स का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपसे पूछा जाएगा, ऑप्टिक्स में से आपसे पूछा जाएगा और क्या कुछ पूछा जाएगा ये आपको यहाँ पर दिया गया है सब कुछ, ठीक है। अब ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वहां से भी आपको पूछा जाएगा, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है, जो ड्यूअल नेचर रहेगा आपका, जो मैटर रहेगी आपकी या रेडिएशन का किस तरह से बिहेव करता है, वो नेचर क्या रहता है उसका, ठीक है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई का भी आपका रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी रहता है, जिसमें आपके पास दोस्तों आपको पता है कि और एंड नॉट जो आपके रहते हैं नॉर, ठीक है। लॉजिक गेट्स जो आपके पास रहते हैं इसको किस तरह से यूज करना है ये भी आपसे पूछा जा सकता है और काफी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर डायोड दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट लेकर फाइव जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स रहती है, ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस में, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी आपसे पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका क्या रहेगा दोस्तों, स्पीच टीवी एंड डिजिटल डाटा जो रहता है कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करने का, वो सब कुछ इसमें आपसे पूछा जाएगा। या फिर दोस्तों बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम किस तरह से जो है एक्ट करता है या कुछ इसमें रहता है, ठीक है। प्रोपेगेशन किस तरह से होती है, वेव्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एटमोस्फियर में, वो सब कुछ इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस में। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये बात हमने कर ली यहाँ पर फिजिक्स की। अब बात हम यहाँ पे करेंगे केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री भी आपके पास कंपलसरी आएगा ही आएगा, दोनों सेक्शंस में आएगा, चाहे बायोलॉजी चुनिए चाहे मैथमेटिक्स चुनिए। तो फिजिक्स और बात हमने कर ली, अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर बेसिक से कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो आपको केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों कि किस तरह से स्कोप क्या है केमिस्ट्री का, ये सब कुछ यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर वाइज जो रहेगा वो आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ आपको जो है यहाँ पर भी क्या करना है। जैसे डाल्टन जो है एटोमिक थ्योरी है, उसमें क्या कुछ थ्योरी में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स के, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के जो उसकी थ्योरी में है, तो वो सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो है आपको देखना है कि उसमें फैक्ट्स क्या है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है, तभी जाकर आप जो है इजीली एंट्रेंस टेस्ट को जो है क्रैक कर पाओगे, इसमें क्वालिफाई कर पाओगे। बाकी दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहता है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में भी आपको पता ही आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इस तरह के काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट रहता है यार। अदर फोर्स मॉडल आपके पास आ गया, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या थी वो भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी दोस्तों आपका बोहर जो मॉडल्स रहता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां पर जो मैंने आपको सिलेबस बता दिया उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, और मैं आपको यहां पर बता दूं कि इसी सिलेबस में से पूछा जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप जो है इसको बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स आपका जो रहता है, ठीक है, जो आपका s p एंड d ऑर्बिटल्स रहते हैं उसका सब कुछ दो, ठीक है। और फिलिंग और ऑर्बिटल्स को फिलिंग क्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से हम ऑर्बिटल्स में फिल कर सकते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, वो भी आपको पढ़ लेने हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन आ जाएगी एलिमेंट्स की, ठीक है, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बता दिया, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आ जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर गैसेज और लिक्विड्स इसमें आ जाएगा,
ठीक है, गैसेस और लिक्विड सी क्यों दिए गए हैं? क्योंकि यहां पर हम डील करते हैं गैसेस और लिक्विड के साथ, सॉलिड के साथ हम केमिस्ट्री में काफी कम ही डील करते हैं, इसीलिए हम जो है गैसेस और लिक्विड के साथ यहां पे डील करेंगे, इसीलिए आप जो है सॉलिड्स और गैसेस और लिक्विड्स का काफी ज्यादा यहां पर पढ़ लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स आपको यहां पे पूछा जाएगा, इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन आपको यहां पे पूछा जाएगा दोस्तों, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप इसकी रिएक्शन याद कर लीजिए कि किस तरह इसको बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, क्या कुछ इसमें रहता है, ठीक है। इसको बैलेंसिंग करने का सबसे मेन फंडा है दोस्तों यहां पर, आपको वो सीखना है और वही आपसे पूछा जाएगा। हाइड्रोजन बाकी आगे आ गया, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके आगे दोस्तों, जिसमें एल्कली और एल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स रहते हैं आपके, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स आपके जो रहते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों बाकी क्या रहेगा आपका, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आपके आएंगे, जनरल इंट्रोडक्शन आएगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। और क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन जो आपके रहते हैं, चाहे एल्केन्स हो, एल्कीन्स हो या एल्काइन्स हो, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी रहते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी पूछा जाता है, और सॉलिड स्टेट जो आपका मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको सॉलिड स्टेट भी पूछा जाएगा अलग से, ठीक है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा और इसी के बारे में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आपको पूछे जाएंगे, हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स और एल्कोहल्स, ठीक है दोस्तों, फिनोल्स, इथर्स, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे आ गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन होगी, ठीक है, वो भी आपको कर लेने, बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में हम केमिस्ट्री को किस तरह से यूज करते हैं, एजेंट्स के रूम में किस तरह से यूज, जो डिटर्जेंट आप यूज करते हो, आपको पता है कि ये भी आपका एक चैप्टर है, ट्वेल्थ में चैप्टर है आई थिंक कि ये ट्वेल्थ में जो चैप्टर है, ठीक है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी यहाँ पे दी गई, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, 16 और 17, 18 जो रहेंगे आपके, ठीक है, जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक भी रहता है। इसके बाद दोस्तों आपके पास लेंथेनॉइड्स भी आपने पढ़ लेने, एस्टेरॉइड्स भी आपने पढ़ लेने, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों ये बात कर ली हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स की, अब बात कर लेते हैं हमारे पास बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की बात दोस्तों यहां पर मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि बायोलॉजी का काफी कम ही यहां पे सिलेबस है, क्यों दोस्तों, क्योंकि बायोलॉजी सेक्शन जो थ्योरेटिकल रहती है दोस्तों, थ्योरेटिकल जो भी सेक्शंस आपकी रहती है उसका सिलेबस काफी ज्यादा कम ही होता है। और दोस्तों यहां पर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपको जो है उसके रिलेटेड ही कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहां पर आप देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, किस तरह से डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्लासिफिकेशन किस तरह से ऑर्गेनिज्म की, ठीक है दोस्तों, जो 5 किंगडम आपके रहते हैं उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो आपके मेजर ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों हर एक किंगडम की किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है, प्रिंसिपल्स की जो उसके सिद्धांतों की, वो सब कुछ यहां पर पूछा जाएगा। बाकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, वो सेल रहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किस तरह से रहता है प्लांट, जो आपको यहाँ पे फिजियोलॉजी दिया गया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहां पर आपको दिया गया है, वो दोस्तों आपका पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन रहेगा, फ्लावरिंग जो प्लांट्स रहते हैं आपके, मैंने आपको पहले बता दिया कि यहां पर जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा वो आपका प्लांट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पर हम डील करते हैं हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के साथ, जो आपने वहां पे करनी है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये आपको जो है एनालाइज करते हैं आपके नॉलेज को। देख लीजिए डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स किस तरह से डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पूछा जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है मेल और फीमेल में, वो भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी दोस्तों जेनेटिक्स और जो इवोल्यूशन रहता है आपका, वो भी आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो रहता है वो भी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बाकी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट आपका रहता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट जो रहेगा मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं, जो भी मैथमेटिक्स वाले हैं वो ध्यान से सुने क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैथमेटिक्स की बात करें तो सेट्स एंड फंक्शंस आपका रहेगा दोस्तों, सेट्स का यहां पर क्या रहेगा, आपको यहाँ पर डेफिनेशन नहीं आने वाली गाइस, आपको कोई भी सेट दिया होगा आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा वो सेट है, क्या वो एम्प्टी सेट है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स है, ठीक है, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपके पास इक्वल सेट रहेगा, सबसेट सबसेट्स ऑफ द सेट जो भी यहाँ पर दिया गया है वो आपको जो है यहाँ पर बताना है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास वेन डायग्राम्स भी आपके पास आते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है, जो यूनियन और इंटरसेक्शन होती है सेट्स की वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो सेट्स एंड फंक्शंस का आपने कर लेना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रिलेशन एंड फंक्शन का दोस्तों यहां पर रहता है,
तो रिलेशन और फंक्शन भी आपने कर लेना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपकी डोमेन रेंज जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, डोमेन रेंज तो आपकी दोस्तों यहाँ पर भी वेरी करेगी, तो ऊपर भी आप पढ़ सकते हो रिलेशन फंक्शंस में जो आपका रहेगा। बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपकी डोमेन रेंज ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज जो रहेगी आपकी ठीक है, ग्राफ जो रहेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ग्राफ से रिलेटेड काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसमें बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर छोड़ना मत, बिल्कुल कर देना। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया गया है कि इस तरह से आपको पूछा जा सकता है ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पर हिंट दिया गया है, तो आपको इस तरह से करना है ठीक है। इसके अलावा एलजेब्रा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बीजगणित जिसे हम कहते हैं, मेन रहता है मैट्रिसेस में, मेन रहती है डिटरमिनेंट्स रहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रहता है ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन भी आपने करना है दोस्तों ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो हम बात करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, रियल नंबर्स की बात भी करते हैं ठीक है, इंडक्टिव सबसेट रहता है जो रियल नंबर्स का ठीक है। बाकी दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है, लीनियर इनइक्वालिटीज रहती है ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप जरूर कर लीजिए। बाकी बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ लीजिए, बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, फॉर्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं, और दोस्तों बेसिक सा रहता है, मैंने आपको पहले बता दिया, तो आप बेसिक सा बिल्कुल क्लियर करके जाएं। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज रहती है, तो सीक्वेंस सीरीज में आप कर सकते हैं, कैलकुलस में आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो रहती है आपकी ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपके रहते हैं, इंटीग्रल्स आपके रहते हैं, तो डेरिवेशन आप कर लीजिए, इंटीग्रेशन आप कर लीजिए ठीक है, डिफरेंशिएशन आप कर लीजिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि कंटिन्यूटी जो आपकी रहती है वो सब कुछ आप यहाँ पे कर लीजिए, पढ़ लीजिए ठीक है, पूरा सिलेबस आप जो है बेसिक से पढ़िए दोस्तों, एकदम से आप जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मत करिए, बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करिए और आप जो है इजीली सब कुछ यहाँ पे कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की, तो यहाँ पर लिमिट एंड डेरिवेटिव्स भी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी दिए गए, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आती है, तो वैक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आपसे पूछी जाती है, तो वैक्टर क्वान्टिटीज आपसे यहाँ पे पूछा, जो वैक्टर एंड स्केलर है ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको पता ही डील होती है, तो यहाँ पर भी आपको वही सब कुछ पूछा जाता है, ग्राफ इसमें पूछे जाएंगे आपको, तो दोस्तों थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग आपका रहेगा ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी रहती है, जिसमें स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन जो आपका रहता है ठीक है। बाकी दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, स्टेटिस्टिक्स में से आपसे पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी में आपसे पूछा जाएगा, और एंड रैंडम जो एक्सपेरिमेंट्स आपके रहते हैं वो आपके जो हैं प्रोबेबिलिटी में से ही पूछे जाएंगे ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सिलेबस, जो दोस्तों फुल मैंने आपको सिलेबस बता दिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि काफी अच्छा आपको लगा होगा। जिसको दोस्तों सिलेबस चाहिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, वहां पर मैं आपको सिलेबस ये प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। बाकी काफी अच्छा लगा यार कि आपने वीडियो को फुल देखा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।